अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डिलीवर कर चुका हूँ एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर लाइव्स। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ खौफ होते हैं और उन खौफों में से जो सबसे बड़े खौफ हैं वो कुछ हैं, फाइनेंशियल फियर कि मेरी लाइफ में मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे कहीं मैं गरीब और फ़कीर ना हो जाऊँ, कहीं हमें सब कुछ बेचना ना पड़ जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फियर। दूसरा रिलेशनशिप्स, लोग कहीं बदल ना जाएँ, मेरी वाइफ बदल ना जाए, मेरी औलाद मेरे साथ बुरा सलूक ना करें, मेरे घर वाले मेरे साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं। एंड द थर्ड फियर इज़ सेल्फ इमेज, मेरा परसेप्शन मेरा इमेज लोगों के बारे में कैसा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कहीं वो मेरे बारे में बुरा गुमान तो नहीं करते, मुझे हकीर कमतर कमज़ोर तो नहीं समझते, मेरे बारे में उनका उनकी थिंकिंग क्या है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ के ऐसे असूल जिससे ना ही सिर्फ इंसान की दुनिया बेहतरीन हो जाती है बल्कि उसे आखरत भी कमाल की हो जाती है। और ये असूल बाय द वे मेरे बनाए हुए नहीं है, ये असूल सहाबा की जनरेशन से लेके आज तक नेक लोगों में पायस प्रीडिसेसर्स में चलते हुए आ रहे हैं। और ये तीन असूल वो हमेशा एक दूसरे को अपनी ज़िंदगियों में याद कराया करते थे और अक्सर मिलते या ख़त लिखते या नसीहत करते तो इन्हीं तीन असूलों के बारे में एक दूसरे को रिमाइंड कराया करते थे। सो नंबर वन प्रिंसिपल, मन आमिना लिल आखिरा कफाहुल्लाहु अमर दुनिया हो, जिसने अपनी आखरत को टॉप प्रायोरिटी पे बना लिया, जिसने आखरत के लिए अमल कर लिया, अल्लाह उसके दुनियावी अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। अल्लाह अकबर, यानी जिसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे आखरत नंबर वन हुई, आखरत का बनाने का टॉप पे बनाने का मतलब क्या है कि मैं बस मस्जिद में बैठ जाऊँ अल्लाह करूँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसका मतलब यह कि मैं सिर्फ हर साल नफली हज करूं और उम्रे करूं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की रज़ा मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है, मैं अपने काम में एक्सीलेंट हूं, मैं अपनी जॉब करूं, दुनिया कमाऊं, रिश्तेदारों के साथ रहूं, फिज़िकल फिटनेस पे ख्याल रखूं, स्लीप मैनेजमेंट करूं, टाइम विजन मैनेजमेंट रखूं, बट जब आवाज़ आए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुझे पता मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मुझे पता हो कि दिस मीटिंग इज विल टेक अ पॉज हियर एंड देन विल गो प्रे सलाह एंड देन कम बैक। मन आमिल आखिरा कफाहुल्लाहु अमर दुनिया हो, जो आखरत के लिए काम करेगा अल्लाह उसके दुनियावी अमूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। आखरत को टॉप प्रायोरिटी बनाना, फ्री योर सेल्फ फॉर द वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला। और इस प्रिंसिपल को बहुत सारी अहादीस और कुरान की आयात सपोर्ट करती हैं, उनमें से चंद। عن نبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقول, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے تھوڑا سا فارغ کر لے, املا صدرك غنا واسد فقرك, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, تجھے مالدار کر دوں گا, وہ اسد فقرك, اور فقیری کا تجھ سے کھینچ لے جاؤں گا, تجھے میں تجھ پھر تو پھر کبھی فقیر نہیں ہوگا, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا, والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك, میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور فقیری کو بھی تجھ سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا, اس کے لیے 24 منٹ نکال لیا کر, فرض نمازیں پڑھا کر, اپنی زبان کا اچھا استعمال کر, گالی گلوچ نہ دیا کر, سود کو نہ پریفر کر, میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. سبحان اللہ, دیر آر سم پیپل ہو آر پرینگ, وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں بٹ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ہوتا, وہ اپنی جاب, اپنی بزنس, اپنی پولیٹکس, اپنی حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں. اینڈ دیر آر سم پیپل جو مسجد سے نکل بھی آئے ہیں اور آگے اپنے کام کاج کر رہے ہیں. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا مال کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. فار ایگزامپل, ایک بیٹا جب کسی جگہ پہ ٹرپ پہ جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے, بیٹا میں تجھے بڑا یاد کیا, میں نے تجھے
तो क्या वो बेटा 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 या उसका नाम अब्दुल्ला 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 कर दिए थे? नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वो दिल में याद करी थी। तो इंसान फ़राइज़ पे भी अमल करे और फिर अल्लाह ताला के लिए अपने आप को फारिग करे, अल्लाह को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे बनाए, सूदी जॉब का इनकार करे, गुनाह का, बदनजरी का, झूठ का, पॉर्न एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस का इनकार करे, अपने आप को अल्लाह के लिए फारिग करे। अमला सदर का गिनन, मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, तो मालदार हो जाएगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैस अल गिना अन कसरत अल अर्द वलकिन अल गिना गिन अल क़ल्ब, ज़्यादा तवंगरी, ज़्यादा मालदारी पैसे में नहीं है, ये बैंक बैलेंस में नहीं है, ये तुम्हारे अकाउंट में कोई 5 अरब पड़ा हुआ, नहीं नहीं नहीं, वलकिन अल गिना गिन अल क़ल्ब, असल दिल की रिचनेस है, असल दिल जिसका अमीर होता है उसको लाइफ गुजारने का मजा आता है। तो अमला सदर का गिनन, मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, तू मालदार हो जाएगा। वासुदा फकर, और फकीरी को तुझसे दूर ले जाऊंगा, क्योंकि तूने अपने आप को मेरे लिए फारिग किया था, मुझे टॉप पे रखा था। व इल्ला तफअल मलअतु यदैका शुग्लन वलम असुद्द फकरक, और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे हाथों को कामों से भर दूंगा, वलम असुद्द फकरक, और फकीरी को भी तुझसे दूर नहीं ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर, यानी तू, तेरे लिए दुनिया प्रायोरिटी होगी, तू सब काम दुनिया के लिए कर रहा होगा, मगर फिर भी तू फकीरी से दूर नहीं जाएगा, फिर भी गुरबत उसे दूर नहीं की जाएगी, और तेरे हाथों को कामों से भर दिया जाएगा। तू कभी कोर्ट का चक्कर, कभी कचहरी का चक्कर, कभी थानों का चक्कर लगा रहा होगा। सख़त अल्लाह अलैहि व सख़त अलैहि नास, कि जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए लोगों को नाराज कर देता है, अल्लाह भी राज़ी हो जाते हैं और उसे लोग भी राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह लोगों को भी उसे राज़ी कर देते हैं। और जो अल्लाह को नाराज करता है लोगों की रजा के लिए, कि लोग क्या कहेंगे, तुम ग्रैंड फैंसी वलीमा नहीं कर रहे, तुम नाच गाना नहीं, तुमने स्टेज नहीं लगवाया डांस फ्लोर, तुमने डिस्को लाइट्स नहीं लगवाई, तुमने ग्रैंड ब्राइडल शावर नहीं किया, तुम कब से मौलवी हो गए, तुम कब से ड्रग्स छोड़ दिए, तुम तो कॉन्सर्ट्स की शान हुआ करते थे, तुम्हें क्या हो गया? तो जो लोगों को राज़ी करता है अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह भी नाराज़ होते हैं और लोगों को भी नाराज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखें, हदीस में आता है अल्लाह ताला की दो उंगलियों के बीच में तमाम लोगों के दिन हैं। इन्ना कुलूब बनी आदम कुल्लहा बैन इस्बाइनि मिन असाबि रहमान, कि अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में तमाम लोगों के दिल हैं। का कल्बिन वाहिद, जैसे एक दिल होता है। युसरिफुहु हैथु यशा, वो जिस तरफ चाहे फेर दे, लोगों को आपके खिलाफ कर दे, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, और लोगों से आपसे मोहब्बत करवा दे, उसके लिए क्या मुश्किल है। तो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। आखिरत को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएं, अल्लाह ताला आपके तमाम दुनियावी अफेयर्स की जिम्मेदारी ले लेगा। अपनी सीक्रेट लाइफ को पाक करें, अल्लाह ताला आपके पब्लिक अफेयर्स को सॉर्ट आउट कर लेगा। और अपने और अल्लाह का वर्टिकल कनेक्शन मेंटेन रखें, अल्लाह को नाराज़ कभी नहीं करना, लोग भी आपसे राज़ी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको इन प्रिंसिपल्स पे अमल करने की तौफीक दे और हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम दीन। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सब्सक्राइब आवर चैनल द फैंस फॉर मोर ब्यूटीफुल वीडियोज़। जज़ाकअल्लाहु खैर।